नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दें। जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। यह दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके एम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। आजकल की मोहब्बत के कुछ युग फसाने हैं, जो जितना झूठा है लोग उसके उतने दीवाने हैं। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है, जैसे ही ये आता है ना, तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अलविदा हो जाती हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। अब कोई उम्मीद ही नहीं है जिंदगी में, बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हो। जो लोग तहनाई पसंद करते हैं, उन्हें समझना आसान नहीं होता। शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। हम सब एक दिन बस एक याद बन के रह जाएंगे, इसलिए तो कोशिश करना कि एक अच्छी याद बन के इस दुनिया से जाओ। परवाही ही भली है जनाब, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जिंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है, कुछ में उनकी आरजू है तो कुछ में उनका ख्याल है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना, फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे। खामोशी से भी नेक काम होते हैं, मैंने देखा है पेड़ों को छाव देते हुए। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पीठ जब ये दोनों भरते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पर जाने लगे, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। भक्त मिले तो कभी सोचना तेरा मुझमें से निकल जाना, मुझे क्या बना गया और कोई साथ तेरा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार ठेस पहुंचाई जाए, तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, और अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे, अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो हमें ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनकी ही जीना सीखो
जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो, दिल बड़ा होना चाहिए। माते तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रखे, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं है, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफरत है अब उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतजार है अब उनका, ना कोई शिकायत बची है। होई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती है। मौत से पहले भी एक मौत होती है, बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको ना दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते, विभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पारे की तरह होती हैं। जब आप उन पर चोट करते हो वह टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी के निकल जाती हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कद्र ना करे उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। चेहरा प्या ब्या करेगा दास्ता हमारी, जो दिल पर गुजरी है वो दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त सिर्फ इतनी है कि शरारती करो साजिशे नहीं। खुद नसीबी में बस एक ही ऐब है, वह बदनसीबों के घर नहीं आते। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ उनका मतलब खत्म हो जाता है वहाँ आपका प्यार भी खत्म हो जाता है। लोग चुराने लगे हैं शायरिया मेरी, गुजारिश है कभी मेरा दर्द भी चुरा कर देखो। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था कोई के मेरा हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां थी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। आज तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कुछ पन्ने क्या पटे जिंदगी के किताब के, जमाने ने समझा हमारा दौ ही खत्म हो गया। जो अपना है ही नहीं उस पर हक जताना क्या, जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। संभल कर चलना तान ये इंसानों की बस्ती है, ये सबको भी अजमा लेती है, फिर तेरी क्या हस्ती है। कदर की आकरों उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। जाति सिर्फ दो ही हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब तो पाखंड और धंधा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है कि कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया। हीरे को परखना है
तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। कीजिए अपने निगाहों को एक चेहरे पर पाबंद, हर सूरत पर लुट जाना वही ने वफा होती है। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में। दोस्तों वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।